क्लासे and this is class B. Okay. And in the class A, if you have written @atoir B OBJ, then what is meaning of this? Meaning of this is Spring will try to search B class object. If not found, it will create the object. Okay, try to understand my statement. @atoir you have written, it means Spring will first try to search what? B class object. Now you, आपको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे ढूंढेगा, बराबर है कि नहीं? आपको क्या लगेगा कि Spring कहाँ पे ढूंढेगा object? तो आपने @bin annotation लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चेक करेगा कि नहीं? For this class B, yes, करेगा. For this class B, it will search whether @bin annotation was used or not. अगर @bin annotation use किया गया है for class B, वो particular method क्या करेगा? Spring call करेगा. उस method में आपने object बनाया होगा, वो object Spring यहाँ पे inject करेगा. तो ऑटो वायरिंग का हमने क्या बोलना चाहिए? बेसिकली ऑटो वायरिंग का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा हमको अपग्रेड करना चाहिए, और हमको ऐसा बोलना चाहिए कि @atoWire दिखते ही स्प्रिंग क्या करता है? स्प्रिंग स्टार्ट सर्चिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बी क्लास. इफ फाउंड इट गेट दैट ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्ट इट इन टू दिस बिन ऑब्जेक्ट. ये जो ए क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब बिन ऑब्जेक्ट या फिर कंटेनर ऑब्जेक्ट बोलो आप, जो हम कंपोजिट रिलेशनशिप वगैरह सीखे कि नहीं आप लोग, कंपोजिट एग्रीगेशन वगैरह ये सब सीखे है, कंपोजिट एग्रीगेशन. तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये एग्रीगेशन रिलेशनशिप है. हाँ, ये एग्रीगेशन रिलेशनशिप है. तो आपको क्या बोलना है? आपको ऐसा बोलना है, अभी ध्यान से सुनिए, कि @atoWire annotation implies Spring to search for dependent object. अभी आप बोलोगे सर ये जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी आप बोल रहे हो वो क्या है, मतलब डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो देखो यहां पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? ये, इसको बोला जाता है डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. ये जो है ये क्या है? डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है. सब लोग क्लियर है इससे? ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है. और @atoWire annotation क्या करता है? इंप्लाई स्प्रिंग टू सर्च फॉर व्हाट? डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. इफ फाउंड, मतलब अगर आपने @bin वगैरह लिखा हुआ है इस बी क्लास के लिए कहीं पे, then it will inject that object. If not found, it will create the object and inject that object in a A class object, right? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि @atoWire annotation से Spring क्या करता है? Spring या तो object create करता है, या तो it will it will create or locate the object. We should say @atoWire annotation से क्या हो जाता है कि Spring will either create the object of dependent object or locate the object and then inject it into what? Then inject it into container object. तो आपको ये समझना है कि ये जो dependency of injection जो concept है वो यहाँ पे important है. यहाँ पे मान के चलो कि आपका B class का object है, ठीक है? नहीं, यहाँ पे किस class का object है? B class का. और उस B class object को अभी कहाँ पे inject करना है बोलो तो सही? क्लास ए के ऑब्जेक्ट, ए क्लास में, ए क्लास ऑब्जेक्ट. बराबर है कि नहीं? क्या आप कर रहे हो क्या वो? देखो तो जरा यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लिखा था? ये पार्ट लिखा था. तो मुझे बताओ कि इतना लिखने से क्या आप ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर रहे थे क्या? तो बिल्कुल नहीं.
आप थोड़ी इंजेक्ट कर रहे थे, आपने इंजेक्ट कर रहे थे, तो ये इंटरनली हो रहा है ना, ये इंटरनली हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप क्या कर रहे हो कि स्प्रिंग को बोल रहे हो कि ये बी क्लास डिपेंडेंट, इसको डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको सर्च करो, सर्च और लोकेट, मतलब लोकेट और क्रिएट, वी विल से व्हाट वर्ड वी विल यूज, स्प्रिंग विल इधर लोकेट द ऑब्जेक्ट और क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड देन इट विल इंजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट इन अ कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो ए क्लास ऑब्जेक्ट में ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली एट द रेट ऑटो वायर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, एट द रेट ऑटो वायर किसके लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, ऐसा हम बोलेंगे। एट द रेट ऑटो वायर किस लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्शन के लिए स्प्रिंग क्या करता है, इट विल इधर लोकेट, इट विल आइदर क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट और इट विल लोकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड देन इट विल इंजेक्ट दैट ऑब्जेक्ट इन व्हाट, ए क्लास ऑब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? तो एट द रेट ऑटो वायर से क्या होता है, क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट और लोकेट करता है और बाद में इंजेक्ट करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ऐसा बोलेंगे आप, इसके लिए वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। एट द रेट ऑटो वायर इज यूज फॉर व्हाट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दैट इज व्हाट आवर स्टेटमेंट शुड बी। एट द रेट ऑटो वायर इज यूज फॉर व्हाट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप क्या बोलो कि सपोज ये क्लास ए है और दूसरा क्लास कौन सा है, क्लास बी, राइट, दूसरा क्लास कौन सा है हमारा, क्लास बी। तो यहां पे आप ऐसा समझिए कि क्लास ए में जब आप लिख रहे हो कि बी ओबीजे, तो यहाँ पे ओबीजे क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल वगैरह, वो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या वर्ड यूज किया मैंने, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ये जो है इसको मैंने क्या बोला, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, इसको मैंने क्या बोला, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, सही है कि नहीं, ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट वो ढूंढेगा, कहाँ पे ढूंढेगा, मतलब कहाँ पे ढूंढेगा, ऐसे मेथड ढूंढेगा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एट द रेट बीन। अगर वैसी कोई मेथड मिली तो ठीक है, अदरवाइज इट विल सर्च द क्लास बी और उसके ऊपर अगर एट द रेट कंपोनेंट वगैरह लिखा हुआ है आपने, तो उस बी क्लास का ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करेगा एंड देन इट विल इंजेक्ट इट इन व्हाट, ए क्लास ऑब्जेक्ट। ये तो करना पड़ेगा कि नहीं उसको, क्या आप कर रहे हो क्या, ये ए क्लास ऑब्जेक्ट में ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने का काम आप कर रहे हो क्या, नहीं, ही इज डूइंग इट। और यहाँ पे आप ये भी समझिए कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, अलग मेमोरी लोकेशन पे है, ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट अलग मेमोरी लोकेशन पे है, ये बेसिकली है क्या, ये है एग्रीगेशन, राइट, ये क्या है, एग्रीगेशन है ऐसा। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग वी से कि ये जो ऑब्जेक्ट है डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ये ए क्लास ऑब्जेक्ट में या कंटेनर ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं, ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग, बट इसेंशियली दे आर इन अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, नो डाउट इन दैट। ओके, सो एट द रेट ऑटो वायर किसके लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सो लेट्स, और सर वो कंपोनेंट एनोटेशन में सर्च कर, कंपोनेंट एनोटेशन का आप कैसे बोलोगे कि कंपोनेंट एनोटेशन अगर आपने लिखा है किसी क्लास के ऊपर, देन स्प्रिंग विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास ऑटोमेटिकली यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, करेक्ट, ओके। और दूसरी बात कि अगर यही पे बात करें, बी क्लास का अगर वो ढूंढेगा, बी क्लास का क्या ढूंढेगा, वो
बी क्लास ढूंढेगा विद एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वो ढूंढेगा क्या ढूंढेगा, वो एट द रेट बिन वाला, एट द रेट बिन एनोटेशन वाली मेथड ढूंढेगा विच रिटर्न बी क्लास ऑब्जेक्ट, राइट, दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, करेक्ट? यस ऐसा। तो सब लोगों को ये क्लियर हो गया कि एट द रेट ऑटोवेयर किस लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग है ये, राइट, इसेंशियली ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे आ जाता है, नहीं नहीं, इट इज स्टोर्ड सेपरेटली ओनली, बट हम बोलते हैं ऐसा कि थ्योरेटिकली ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें इंजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एडवांटेज देख रहे हो क्या, कि क्या आप खुद बना रहे हो क्या बी क्लास का ऑब्जेक्ट, बोलो आप खुद बना रहे हो क्या, खुद बना रहे हो कि इन द सेंस की मतलब ये जो इंजेक्ट करने का काम है ये आप इसको दे रहे हो ना, स्प्रिंग को दे रहे हो, स्प्रिंग को दे रहे हो, इंजेक्शन का काम स्प्रिंग को दे रहे हो। तो इसका एडवांटेज जो है वो आज आपको समझेगा जब मैं क्या करूंगा, आपको स्प्रिंग विद स्प्रिंग और हाइबरनेट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है, लेट्स सी इट। चलो So before we go that, एक वर्डिंग में मैं लिखे देता हूं, क्या लिखेंगे हम वर्डिंग में, कि एट द रेट ऑटो वायर अनोटेशन is used for, बोलो इसके लिए यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, स्प्रिंग व्हील, और क्या बोलना है हमको यहाँ पे, स्प्रिंग व्हील लोकेट और क्रिएट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट and inject it in what, container, yes, bin object मतलब controller class object हो सकता है वो, या दूसरा कोई भी object हो सकता है, तो उसको हम container object बोलेंगे, container object, या आप controller object बोले तो भी कोई issue नहीं, got the point। तो interview में आपको क्या important है बोलो, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है आपको, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्ट वर्ड में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताते आना चाहिए, राइट। सो बोलो हु विल से एट द रेट ऑटोवायर एनोटेशन क्या करता है, बोलो, डिपेंडेंसी यूज टू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इंजेक्शन और क्या एक्सप्लेन करोगे उसमें, और फिर क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछा तो फिर आप उसको और इलेबरेट कर सकते हो कि ये क्लास है, इसमें ये जो बी ओबीजे लिखा है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, और फिर आप क्या बोल सकते हो इसमें कि ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जो है ये स्प्रिंग या तो क्रिएट करेगा या तो लोकेट करेगा, और फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इस कंटेनर ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करेगा, इंजेक्ट होगा ऐसे, एंड दैट्स इट, दिस इज नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग का ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे लूज कपलिंग जो है वो अचीव की गई है, बिकॉज बी क्लास का ऑब्जेक्ट और ए क्लास का ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा क्या, नहीं होगा। तो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे है और इसीलिए इसको लूज कपलिंग भी कहा जाता है, दे आर नॉट टाइटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो इट्स अ लूज कपलिंग, राइट,
एंड और दूसरे वर्ड में इसको एग्रीगेशन भी बोला जाता है, राइट? लूज कपलिंग बोलो या एग्रीगेशन बोलो, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? तो लूज कपलिंग क्यों बोला जा रहा है इसको बोलो? दो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है. नहीं तो फिर आप लोग जो कोर जावा में आप लोगों को आदत है, क्या आदत है कोर जावा में? कोर जावा में हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम ऐसा करते थे कि ये लो क्लास ए, नहीं क्या? और क्लास ए के अंदर हम तुरंत क्या लिखते थे, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी. हाँ, ये आदत थी कि ना हमको. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये टाइट कपलिंग कर देता है, बिकॉज ये ए क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाता है. ये क्या हो जाता, ये सपोज ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ए क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता, फिर बी क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता, बी क्लास ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाता. और फिर आप मुझे बताओ कि अगर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया तो ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा? यस सर, 100% होगा. और इसीलिए ये क्या हो गया, कौन सा कपलिंग हो गया? टाइट कपलिंग हो गया. और इसी को दूसरे वर्ड में बोला जाता है कंपोजिशन. क्या बोला जाता है? सॉरी, एक मिनट. हाँ, तो बोलो इसी को क्या बोला जाता है, टाइट कपलिंग और कंपोजिशन. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा कि टाइट कपलिंग यूज करना चाहिए कि लूज कपलिंग यूज करना चाहिए. लूज कपलिंग यूज करना चाहिए, टाइट कपलिंग नहीं, राइट? ऐसा है. तो इसीलिए स्प्रिंग क्या यूज कर रहा है, लूज कपलिंग यूज कर रहा है. यहां पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हो? डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर. ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर कर रहे हो, राइट? सो दिस इज इंटरेस्टिंग. हमको खाली प्रोग्राम रन नहीं करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है इनको भी समझना है, बिकॉज इंटरव्यू में आपको ये बोलना है, राइट? सर, कंपोनेंट में हम लोग, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पर बीन में तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है. वो तो डिजायर्ड वैल्यूज और चाहिए ना आपको इसके लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको अगर कोई, आपने अगर कोई क्लास बनाया है, उस क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज को आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू देना चाहते हो, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बना के देना पड़ेगा, बिकॉज स्प्रिंग कैनॉट अंडरस्टैंड यूअर रिक्वायरमेंट, राइट? आपके मन में क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो स्प्रिंग को कैसे समझेगी, बताओ आप. ओके, बराबर है. सर, अपने को जब डिजायर्ड वैल्यू देनी होगी तब अपन क्या करते हैं, बीन यूज करेंगे, और अगर नई डिफॉल्ट लेनी होगी तो कंपोनेंट यूज करेंगे. हाँ, और ये कंपोनेंट नहीं तो बीन, दोनों में से एक तो चाहिए चाहिए जब आप क्या यूज करते हो, ऐसा बोलेंगे आप. क्लियर है सबको? यदि दोनों रहे तो फिर ये कंपोनेंट को प्रायोरिटी देगा. दोनों भी होगा तो कंपोनेंट को प्रायोरिटी देगा. लेकिन ऐसा ये सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि दोनों भी जनरली एक ही रहता, मतलब एक ही करेंगे ना अपन, क्यों दो करेंगे. तो अभी आगे जाके जब हम स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग का कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग जो है उसका प्राइमरी फीचर कौन सा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन. और स्प्रिंग बूट का मेजर जो फोकस था वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे था. तो वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बाद में, डोंट वरी. बट राइट नाउ इट इज क्लियर, राइट? डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ऑटो वायरिंग क्या है, ये सब क्लियर हो गया, राइट? चलो फिर अभी क्या हमारा फोकस है, आज क्या सीखने वाले थे हम, इंटीग्रेशन हाइबरनेट. स्प्रिंग एंड हाइबरनेट का
इंटीग्रेशन हमको सीखना है, स्प्रिंग और हाइबरनेट का इंटीग्रेशन सीखना है। चलो फिर उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि स्प्रिंग और हाइबरनेट का इंटीग्रेशन जरूरी क्यों है, व्हाई डू वी नीड इट। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्प्रिंग में अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है तो फिर हाइबरनेट लगेगा, राइट। और इसीलिए स्प्रिंग में हाइबरनेट को इंटीग्रेट करते हैं, राइट। उसके लिए आपको बड़ा सिंपल है क्या करना पड़ेगा कि सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट जो है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। कौन से ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा? सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस सी। देखो सपोज आपके पास एक क्लास है, क्या है उस क्लास का नाम, लेट्स से स्टूडेंट कंट्रोलर करके क्लास है। क्लास कौन सा है? स्टूडेंट कंट्रोलर। और इस स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास में आप क्या लिख रहे हो? एट द रेट ऑटोवायर, और इसके नीचे लिखोगे सेशन फैक्ट्री फैक्ट्री। तो देखो अभी जैसे हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ, यहाँ पे एट द रेट ऑटोवायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या ढूंढना स्टार्ट करेगा? बीन ढूंढेगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या ढूंढेगा? बिन ढूंढेगा, राइट। बिन ढूंढेगा, तो आप बिन जो है वो डिफाइन करो सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड, राइट। आप बोलोगे सर लेकिन सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड बिन कैसे डिफाइन करें? सेशन फैक्ट्री तो क्या है? इंटरफेस है, राइट। और आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास पता है क्या? नहीं पता आपको? है क्या किसी को पता? नहीं पता, राइट। नहीं पता। तो देखो अभी दिक्कत में आ गए कि ना आप लोग, क्या कि आपको क्या चाहिए? बिन चाहिए, नहीं तो आपको क्या चाहिए? बिन चाहिए, नहीं तो कंपोनेंट चाहिए, राइट। यही सीखा ना अभी? यस। लेकिन कंपोनेंट जो है कहाँ पे ढूंढोगे आप? आपको पता है क्या कि सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड क्लास कौन सा है, मतलब सेशन फैक्ट्री इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास कौन सा है? पता है क्या आपको? नहीं पता आपको? क्या बोल रहे? कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। हाँ मतलब अभी क्या है, नहीं कंपोनेंट कहाँ के, कहाँ किसके ऊपर कंपोनेंट आप यूज करते हो बोलो? क्लास के ऊपर, राइट। किसके ऊपर आपने कंपोनेंट यूज किया था? क्लास के ऊपर। तो क्या आपके पास है क्या सेशन फैक्टर को इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास? पता है कि आपको कौन सा क्लास है वो? नहीं पता? नहीं पता आपको। और यही पे स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर काम में आता है। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट अगर आप यूज करोगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगा पता है क्या कि सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड जो क्लास है, कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन क्लास। वो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, ओके, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। समझ रहे हो आप? स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास जो है इसमें वो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करेगा, और ये कौन करेगा? स्प्रिंग ऑटोमेटिकली करेगा। आपको मतलब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, नहीं तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ता है जनरली, राइट, कि बिन लिखो, बिन वाला लिखो, नहीं तो एट द रेट कंपोनेंट वगैरह लिखो, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे जरूरत है क्या सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड बिन लिखने की, या फिर सेशन फैक्ट्री के रिलेटेड कंपोनेंट वगैरह? कंपोनेंट तो लिख ही नहीं सकते वो, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास लिखना मतलब मुश्किल हो जाएगा, राइट।
ऐसा है। चलो फिर तो करके देखे इसको, क्या ऐसा ही होता है क्या? देखो ये करने के बाद, ये करने के बाद आपको ये फैक्ट्री इंजेक्ट होने के बाद आप कौन सी मेथड कॉल करते हो जनरली, मतलब फैक्ट्री का ऑपरेशन होने के बाद कौन सी मेथड कॉल करते हो? ओपन सेशन। ओपन सेशन, और ओपन सेशन मेथड कॉल करने के बाद आपको सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड देन यू कैन कॉल एनी मेथड, व्हाटएवर मेथड यू वांट टू कॉल, सेव मेथड या फिर जो भी मेथड आप कॉल करना चाहते हो मेथड आप कॉल करो, दैट्स इट, करेक्ट? ऐसा। तो स्प्रिंग को हाइबरनेट में इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये लाइन सिर्फ लिखनी पड़ रही है, @autowire session factory, ये रेफरेंस का नाम है, कुछ भी ले लो कोई इशू नहीं, एंड देन यू आर गुड टू गो। एक बार आपको सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर आप तो उसके ऊपर क्रिएट क्राइटेरिया मेथड कॉल करके क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट ले लो, क्रिएट क्यूरी मेथड कॉल करके क्यूरी का ऑब्जेक्ट ले लो और एचक्यूएल क्यूरीज को एग्जीक्यूट करो, या फिर सेशन की कोई भी मेथड आप क्या करो, सेशन की कोई भी मेथड आप कॉल करो डायरेक्टली, सेव लोड अपडेट डिलीट वगैरह ये सब। So now to do this, we can get the means we can create the new project or we can work with the existing project. No issue at all. तो अभी हम क्या कर लेते हैं बोलो, नया प्रोजेक्ट बनाना है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ काम करना है? Let me unmute. न्यू प्रोजेक्ट, हाँ नया प्रोजेक्ट बनाना है कि न्यू प्रोजेक्ट सर, न्यू प्रोजेक्ट करना है? यस सर। चलो फिर न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। So everyone knows the URL, right? start.spring.io. start.spring.io पे जाके हमको प्रोजेक्ट जो है बनाना पड़ेगा और वहां से ये लेना। अभी आप देखो कि पिछली बार हमने डिपेंडेंसीज कौन सी डाली थी, स्प्रिंग वाली, याद है आपको? स्प्रिंग बूट स्टार्टर, डेव टूल्स एंड स्प्रिंग वेब। हाँ डेव टूल्स एंड वेब, ऐसे दो डाली थी ना, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स और स्प्रिंग बूट वेब, ऐसे दो डाली थी डिपेंडेंसीज, करेक्ट? यही दो डाली थी क्या, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये दो डिपेंडेंसी हमने डाली थी। लेकिन दिस टाइम अराउंड सिचुएशन इज डिफरेंट, आपको क्या करना है यहाँ पे बोलो, हाइबरनेट के साथ कनेक्ट होना है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि हाइबरनेट की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे डेटा डैश जेपीए करके, उससे फिर हाइबरनेट के लिए जो भी क्योंकि हम स्प्रिंग को हाइबरनेट में ऐड कर रहे हैं ना, तो हाइबरनेट के जार फाइल लगेंगे प्लस ये जो इंटीग्रेशन के लिए जो जरूरी क्लासेस है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं ना अपन, ऐसा नहीं कि सिंपल हाइबरनेट यूज कर रहे हैं, बात को समझ रहे हो क्या? क्या सिंपल हाइबरनेट यूज कर रहे हैं क्या अपन यहाँ पे? नहीं, इंटीग्रेशन की चल रहा है ना, तो उसके लिए भी कुछ क्लासेस लगेंगे, तो वो क्लासेस भी क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे अगर मैं स्प्रिंग डॉट मतलब स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए ये अगर यूज करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूं डेटा जेपीए अनोटेशन जो है, सॉरी डिपेंडेंसी जो है हम ऐड करेंगे। चलो पावन प्रोजेक्ट जावा ये वर्जन, और फिर पिछली बार जैसे हमने लिया था ग्रुप आईडी क्या लेंगे, com.java/ रन ये ग्रुप आईडी लेंगे, और फिर प्रोजेक्ट का नाम आर्टिफैक्ट आईडी क्या दे, क्या करना है हमको यहाँ पे, स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन करना है, स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन करना है। तो इट्स
प्रोजेक्ट फॉर व्हाट? स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन, ऐसा हम बोले। एंड देन पैकेज नेम विल गिव com.java बाय किरण कंट्रोलर सपोज। और यहां पे क्या लेना है हमको? 8 लेना है, राइट। और डिपेंडेंसी में आप देखिए, ऐड डिपेंडेंसी पे मैं क्लिक करता हूं, कौन सी डिपेंडेंसी लेनी है? स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, उसके बाद स्प्रिंग वेब, और अभी जो मैंने आपको बताई कौन सी? डेटा जेपीए, ठीक है। तो डेटा स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए जो है, या स्प्रिंग डेटा जो है, वो डिपेंडेंसी आप ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? सारे ये देखो, इसको सपोज मैं रिमूव करता हूँ, आप यहाँ पे वैसा भी डालिए डेटा जेपीए ऐसा डालिए, तो देखो बराबर आ जाता है कि नहीं है। इसके लिए अभी आप बोलोगे सर ये डालने से क्या होता है, तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। इट परसिस्ट डेटा इन एसक्यूएल स्टोर विद जावा परसिस्टेंट एपीआई यूजिंग व्हाट? स्प्रिंग डेटा एंड हाइबरनेट। लिखा है कि नहीं? तो हाइबरनेट के लिए ये स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है ये आपको लगती है। चलो तो ये सब कुछ हो गया, क्लियर। जनरेट पे क्लिक करते हैं। सो वी हैव टू extract this project as usual. Once extracted, we'll get the root folder. और ये root folder मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है? ये project को हमारे इसमें import करना है. So let's click on import existing Maven project. और यहाँ पे स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन फिनिश। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि पहले जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है वो कहां पे ढूंढेगा? ये लोकल रिपोजिटरी पे ढूंढेगा। समझ रहे हो क्या आप? रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी पहले क्या कहां पे ढूंढेगा? लोकल रिपोजिटरी में। और लोकल रिपोजिटरी फोल्डर का नाम क्या होता है बताओ? .m2। वो .m2 फोल्डर के अंदर है, राइट? तो वहां पे वो ढूंढता है पहले, ये समझ लो पहले। या तो ऑब्जर्व केयरफुली, pom.xml फाइल को हम ओपन करते हैं, ये पुरानी वाली थी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डेटा जेपीए ऐड होगी, राइट, और स्टार्टर वेब भी ऐड होगी, डेव टूल्स भी ऐड होगी। तो ये तीनों डिपेंडेंसी हमको मिली। अभी हम जाएंगे यहाँ पे एसआरसी में जावा, और इसमें अगर मैं रन करता हूँ सपोज प्रोजेक्ट को, तो ध्यान से देखिए अभी क्या होता है। इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई ये किया क्या डेटाबेस को कनेक्ट होने वाला? कुछ डेटाबेस कनेक्शन के लिए डिटेल्स वगैरह कुछ लिखे क्या? डेटाबेस प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ स्पेसिफाई किए क्या? नहीं। कौन सा डेटाबेस? नहीं क्या? यूआरएल क्या है डेटाबेस का? प्रॉपर यूजर नेम क्या है? ड्राइवर क्लास है? ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। देखो ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है? फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, यूआरएल एट्रिब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड एंड नो एम्बेडेड डेटा सोर्स कुड बी कॉन्फ़िगर्ड। मतलब क्या यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि URL attribute मतलब डेटाबेस का URL वगैरह ये सब आपने बताया नहीं ना। हाँ, ये सब आपने बताया नहीं, और आप कैसे प्रोग्राम को रन करने जा रहे हो? चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्प्रिंग के मतलब ये सॉरी डेटाबेस के जो डिटेल्स है, किसके डिटेल्स? डेटाबेस के डिटेल्स,
वो कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, कौन से फाइल में लिखने पड़ते हैं हमको डेटाबेस के डिटेल, एप्लीकेशन डॉट हाइबरनेट, नहीं 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 वो वहां पे हमने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा, आपका कहना सही है, लेकिन अभी हमको कहाँ पे लिखने हैं, एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में हमको लिखना है, कहाँ पे लिखना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लिखना है। तो देखो आप जस्ट अ सेकंड, ओके, सो यू सी अभी मैं क्या करता हूं, एसआरसी मेन रिसोर्सेस में जाता हूं और इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल ओपन करता हूं और यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज है ये डिपेंडेंसीज पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि यूआरएल वगैरह तो हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, यूआरएल वगैरह हमारे लिए क्या नया है क्या, बोलो, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास नेम, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है क्या, या फिर ये डायलेक्ट क्लास, हाँ, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। इफ यू वांट टू टाइप इट फॉर प्रैक्टिस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, ओके। तो क्या क्या है देखो, यूआरएल में क्या लिखा है हमने, टेस्ट, याद है आपको हमने जो स्टूडेंट टेबल बनाया था वो कौन से इस पे बनाया था, बोलो, स्टूडेंट मैनेजमेंट, हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट इसमें लिखा था, राइट। यहां पे हम जाएंगे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम आप लिखते हो संभल के लिखना है, बिकॉज पता चला कि यहाँ पे स्पेलिंग अलग लिखा है वहां पे स्पेलिंग अलग लिखा है, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। स्टूडेंट टेबल में आई थिंक वही हमारे प्रॉपर्टीज है, कौन से, एस आई डी, एस नेम एंड एस फोन, एस फोन, तो लेट्स चेक हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर। अभी हम क्या कर लेते हैं कि वहां पे जितने भी रिकॉर्ड्स है ना वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सीडी स्लैश सीडी जैम माई एसक्यूएल, ये मुझे लिखना पड़ेगा, यूज क्या है हमारा डेटाबेस, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, और फिर हमको यहाँ पे देखना है टेबल स्टूडेंट, ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको भी ये बनाना है। तो एस आई डी, एस नेम और एस फोन, और ये तीन रिकॉर्ड है, एस आई डी टू, एस नेम जाओ भाई किरण, एस फोन ये, एस आई डी फोर, एस नेम क्या के, और ये सपोज एस फोन जो है ये। तो ये आपको रिकॉर्ड क्या करने, अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे रिकॉर्ड हमको रीड करने हैं डेटाबेस से और हमारे प्रोजेक्ट में उसको लोड करना है। क्लियर है सबको, क्या इंटेंशन है हमारा, व्हाट इज द एम, बोलो एम क्या है हमारा, डेटाबेस में रिकॉर्ड रीड करके प्रोग्राम में डालना, डेटाबेस से रिकॉर्ड रीड करने हैं और कहाँ पे प्रिंट करने हमको, वो प्रोग्राम, यस, हमारे प्रोग्राम में कंसोल पे उसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, चलो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, वो कॉपी कहाँ से किया, एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का, वो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा था उसमें से कॉपी किया मैंने, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा उसमें भी है सब कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये जो
आपको वो टाइप करना है तो आप प्रैक्टिस के लिए टाइप करो, नो इश्यू। लेकिन अभी मेरा फोकस जो रहेगा वो आपको ये दिखाने में रहेगा कि यहाँ पे हम ये सब कैसे मैनेज करते हैं, राइट, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज वगैरह सब हमको पता है। तो यहाँ पे न्यू जाएंगे, न्यू में क्लास, और बोलिए क्या क्लास का नाम लिखे, स्टूडेंट कंट्रोलर लिखे, स्टूडेंट कंट्रोलर। कौन सा एनोटेशन यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, द रेट रेस्ट कंट्रोलर। और फिर आगे चल के हमको यहाँ पे एक मेथड लिखनी पड़ेगी, और ऑफ कोर्स हमको पता है कि ये जो मेथड होती है इसके हमको क्या देना पड़ता है, URL, URL देना पड़ता है। तो ऑल स्टूडेंट हम ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स करके लिख लेते हैं, और मेथड लिखेंगे क्या, अभी जो भी मेथड है वो जितने भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अभी सिर्फ प्रिंट कर देते हैं, वाइड गेट ऑल स्टूडेंट ऐसे मेथड लिख लेते हैं, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगी। हाँ तो बोलो अभी इसमें क्या करना है बताओ, सेशन फैक्ट्री राइट, ऑटो वायर और हाँ इसको हमको ऑटो वायर करना है, इसको हमको क्या करना है, ऑटो वायर करना है। तो आप देखो कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑटो वायर ऐसा लिखने पे वो क्या ढूंढेगा, अभी जनरली हमने जो अभी जो शुरुआत में डिस्कशन किया उसके रिलेटेड, इसके रिलेटेड ये जो है इसके रिलेटेड एट द रेट कॉम्पोनेंट, नहीं तो एट द रेट बिन, राइट। अभी जो एट द रेट कॉम्पोनेंट है उसका बताइए, कोई सवाल है क्या एट द रेट कॉम्पोनेंट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसके रिलेटेड क्लास कौन सा है, सेशन फैक्ट्री तो इंटरफेस है, सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फिर एट द रेट बिन का अगर आप बोलोगे सो डेफिनेटली यू कैन राइट प्रोवाइडेड यू नो द इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ व्हाट, सेशन फैक्ट्री, बट राइट नाउ सपोज आपको पता नहीं है, पता कर सकते हैं हम, इसमें कोई इशू नहीं है, बट सपोज आपको पता नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए बताओ। ये जो स्प्रिंग बूट का हमारा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ना हम, क्या कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्या करे, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करे, तो करेगा क्या वो देखते हैं। अभी देखो इसको मैंने स्टॉप किया है, दिख रहा है क्या आपको, इसको मैंने स्टॉप किया था, राइट। अभी अगर ये इंजेक्ट हो जाता है ऐसा करने से, फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन लिखू मैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा इसे एक रेफरेंस बना लेते हैं, ये सेशन किसका हमारा, org.hibernate इस पैकेज का। और फिर यहाँ पे एसओपी स्टेटमेंट लिखते हैं कि कनेक्टेड टू डेटाबेस, कनेक्टेड टू डेटाबेस। एक काम करता हूं, अभी ये तो मेथड तब कॉल होगी ना जब हम क्या होगे ये यूआरएल को हिट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उससे पहले भी एक चीज होने वाली है, क्या कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल होगा ना इसका, क्या नहीं होगा, यस सर कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल होगा, नो डाउट इन दैट, क्योंकि रेस्ट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट वगैरह बन जाता है ना, ये तो छोड़े जाने, तो कोई इशू नहीं इसका, छोड़ दो उसको, इसको यूआरएल को हिट करेंगे क्या, नो इशू। तो चलो इसको रन करते हैं, कंस्ट्रक्टर में नहीं जाते, तो राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी आप देखिए क्या होता है, कंसोल पे जाइए, ये एरर मैसेजेस पढ़ना, समझ रहे हो क्या आप, एरर मैसेजेस पढ़ना उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन एक्सेप्शन, कैनॉट लोड ड्राइवर क्लास कॉम डॉट माइस्कूल एडीबी डॉट ड्राइवर। हाँ बोलो किस वजह से ये ड्राइवर क्लास लोड नहीं कर पा रहा, मिल रहा है क्या उसको ड्राइवर क्लास, कहाँ पे होता है ड्राइवर क्लास आपका, com.mysql.jdbc.hibernate.com, नहीं नहीं आपका ड्राइवर क्लास रहता कहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल क्वेश्चन, जार फाइल,
जार फाइल में, तो MySQL कनेक्टर जार फाइल आपने ऐड की है क्या? नहीं नो सर, नहीं की कि नहीं? तो MySQL कनेक्टर जार फाइल अगर आपने नहीं की है तो कैसे होगा? फिर आप MySQL कनेक्टर जार फाइल ऐड करोगे क्या, बताओ? तो नहीं, उसके रिलेटेड हम क्या ऐड करेंगे? डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, के रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे। तो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि MySQL कनेक्टर जावा वर्जन 5.1.6 ये डिपेंडेंसी हम क्या करते हैं अभी यहां से लेते हैं और फिर यहां जाके form.xml में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कहां पे ऐड करना है, तो डिपेंडेंसी टैग यहां पे स्टार्ट हो रहा है तो उसके नीचे जाके ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जार फाइल कहाँ से डाउनलोड हो रही है, कौन सी वेबसाइट से? डिपॉजिट, मावेन डिपॉजिटरी, राइट? मावेन डिपॉजिटरी, मावेन डिपॉजिटरी जो है उसमें। देखो अभी प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट है कि बंद है, बताओ? स्टार्ट है सर, बंद है कि नहीं? नहीं बंद है ना, क्या टर्मिनेट है? तो फिर हमको फिर से रन करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा, तो करो फिर से रन आप। अभी क्या होगा, वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में जाएगा और देखो ये सब इनिशियलाइज कर रहा है क्या, दिख रहा है आप लोगों को? ये डेटा सोर्स ये सब इनिशियलाइजेशन हो गया ना। देखो हाइबरनेट का यहाँ पे आपको दिखेगी, हाइबरनेट ORM कोर वर्जन, ये जो जार फाइल है उसको भी उसने रीड कर लिया, MySQL 5 डायलेक्ट क्लास जो हमने स्पेसिफाई किया था, कौन सी प्रॉपर्टी फाइल में स्पेसिफाई किया ना हमने इसको, वो सब क्या हो गए यहाँ पे ऐड हो गए। सब लोग इससे क्लियर है क्या, वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल उसने रीड की कि नहीं की? यस सर, यस सर। हाँ ऐसा, ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि URL में मैं ये स्टूडेंट दे दू तो हो जाएगा वो हिट? देखते क्या लिखेंगे, localhost:8080/students। अभी हमने वाइड लिखा था, रिटर्न टाइप क्या लिखा था? वाइड लिखा था, रिटर्न टाइप वाइड लिखा था, इसलिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, नहीं नहीं मतलब यहाँ पे ब्राउजर में आपको कुछ दिखा क्या? नहीं, नहीं। नो, और कंसोल पे भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई, नहीं। बट यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई क्या, अपना डाटा कनेक्ट हो गया, डेटाबेस से कनेक्ट हो गए कि नहीं? yes, बताओ कितना इजी है। हाँ, हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं क्या इसमें? नहीं, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं मैं बराबर है कि नहीं, और सब लॉजिकली चल रहा है, सही कि नहीं? तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा ना बीइंग अ प्रोग्रामर कि सेशन फैक्ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास में, स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास के ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट करने का काम किसने किया? स्प्रिंग बूट ने किया। किसने किया? स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट ने किया। और इसी को क्या बोलेंगे? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलोगे सर लेकिन पहले जाने में कैसा होता था? तो पहले, अभी आप तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ये सब कर रहा है, लेकिन पहले जो होता था तो उसमें एक्सएमएल फाइल लिखी जाती थी, उसमें काफी कुछ टैग्स वगैरह लिखे जाते थे, ये लंबी फाइल बनती थी उसकी, है समझे हो क्या आप? लेकिन अभी एक्सएमएल फाइल वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज वगैरह वहां पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? और एक स्टेप अहेड है कि नहीं? देखो आप स्प्रिंग बूट जो खाली स्प्रिंग का प्रोजेक्ट था जो आपने देखा IOC, ये IOC में क्या हमने स्प्रिंग IOC जो था उसमें हमने, मैंने आपको क्या दिखाया कि
आईओसी के केस में कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के केस में वो कंपोनेंट नहीं तो बिन वगैरह वो ढूंढ रहा था ना। लेकिन अभी देखो आप कि यहाँ पे सेशन फैक्ट्री के लिए उसने क्या कर दिया, अपने आप कॉन्फिगरेशन कर लिया। करेक्ट, क्लियर है सब लोग इससे? यस सर। और भी स्प्रिंग एमएससी में बताऊंगा कि डिस्पैचर्स रिलेटेड क्लास रहता है जो पहले कॉन्फिगर करना पड़ता था आपको, वो कॉन्फिगर करने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट करते हैं। फिर स्प्रिंग प्रोजेक्ट अब यूज कर रहे हैं तब हमको टॉमकैट सर्वर कॉन्फिगर करने की जरूरत पड़ी क्या, बताओ? नहीं ना, टॉमकैट सर्वर कहाँ कॉन्फिगर करना, नहीं किया। ये सारा एडवांटेज जो है वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट की वजह से हमको मिल रहा है। चलो ठीक है, अभी आप देखो कि मैंने सिर्फ सेशन का ऑब्जेक्ट किया है ना, मैंने डेटा ये स्टूडेंट टेबल के रिलेटेड कुछ लिखा ना उसके रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की। तो बताओ फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोलर कंट्रोल क्लास में लिख देगा, बाद में हम सेपरेट करेंगे उसको। तो कौन सा क्लास लिखना है बताओ, स्टूडेंट, और इसमें वेरिएबल्स क्या लेने हमको? सबसे पहले तो इस क्लास के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, कौन सा नोटेशन, एंटिटी एनोटेशन, एंटिटी एनोटेशन, एंटिटी एनोटेशन, ठीक है। तो ये जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट पैकेज का ये लेंगे, उसके बाद एट द रेट आईडी, और यहाँ पे जो वेरिएबल लेना है हमको कौन सा लेना है, इंट एस आई डी, और उसके बाद एस नेम, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग व्हाट, यस नेम, और दूसरा कौन सा वेरिएबल हम लेते हैं जनरली, यस स्ट्रिंग एस फॉर्म, राइट। ये तीन वेरिएबल हो गए। अब हमको पता है कि इसके रिलेटेड हमको सेटरगेटर मेथड और टूस्टिंग मेथड को जनरेट करना पड़ेगा, तो मैंने टूस्टिंग मेथड को जनरेट कर लिया और सेटरगेटर मेथड जो है वो भी जनरेट कर देता हूँ। हालांकि अभी ठीक है, तो हो गया जनरेट। अब यहाँ पे हमने जो डेटाबेस का नाम लिखा था उसके रिलेटेड मतलब ये डेटाबेस है और स्टूडेंट टेबल, जस्ट अ सेकंड, और स्टूडेंट टेबल जो है ये स्टूडेंट टेबल इस स्टूडेंट क्लास को रेफर करेगा। और अभी आप जाके देखो स्टूडेंट कंट्रोलर में हमको कोड लिखेंगे हम, बताओ सभी रिकॉर्ड अगर लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लोड मेथड, अरे लोड मेथड, नहीं लोड मेथड से तो एक ही ऑब्जेक्ट लोड होगा, अरे लिस्ट, नहीं नहीं क्वेश्चन को समझिए, सभी ऑब्जेक्ट लोड करने हैं, क्या सीखा अगर हाइबरनेट में हमने, सभी ऑब्जेक्ट सेव करना पड़ेगा, नहीं सेव का संबंध नहीं, रिकॉर्ड है यहाँ पे, यहाँ पे रिकॉर्ड है कि नहीं, ये सारे रिकॉर्ड को हमको क्या करना है, रीड करना है। अगर सारे रिकॉर्ड चाहिए तो आप कौन सी क्वेरी लिखते हो, एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या ये एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे क्या अपन हाइबरनेट में, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट ओनली, हां वेरी गुड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोलो फटाफट, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी, राइट, और उसमें फिर हाइबरनेट क्वेरी हम लिखेंगे क्या, हाइबरनेट क्वेरी लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, और उसके बाद लिस्ट मेथड को कॉल करेंगे। लिस्ट मेथड आपको क्या देगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट देगी, और उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दो, सीधा प्रिंट कर दो, और देखो तो जरा क्या होता है, लोड मेथड कॉल करके बाद में लिस्ट मेथड कॉल कर, नहीं लोड मेथड जो है नागेश वो आप देखिए कि सिंगल ऑब्जेक्ट देता है, वो भी वो जिस प्राइमरी की का, जिस प्राइमरी की का नाम दोगे उसका ऑब्जेक्ट वो देता है, हाँ या ना, यस सर, मतलब जो प्राइमरी की दोगे उसके रिलेटेड वो देगा ना, जो आईडी आप आईडी की वैल्यू उसके रिलेटेड देगा आपको। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है क्या कि पर्टिकुलर एस आई डी थ्री वाला ही रिकॉर्ड चाहिए, बताओ, नहीं कि नहीं, तो इसके लिए हमको सब रिकॉर्ड ये चाहिए थे ना, तो इसलिए एसक्यूएल क्वेरी का यूज किया। देखो अगर मैं बताऊंगा
और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रोज की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करो तब जाके आप लोगों को ये जो आंसर से फटाफट आ जाएंगे। तो करो मैं रिफ्रेश, यस कर दिया, जाओ यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा है क्या आपको? बोलो, SID 2, SID 3, SID 4 आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, सिंपल है। ये मैसेज जो है, ये मैसेज हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसमें जो हमने स्टेप्स देखे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बताया मैंने आपको, किस तरह से आपको ये करना है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। रुको, हाँ ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, आप बताओ कि सबसे पहला स्टेप तो है आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो है वो बना लो, ठीक है? पहले एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लो, क्रिएट व्हाट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, और उसमें डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए? विद डिपेंडेंसीज लाइक डेटा डैश जेपीए, राइट, फिर स्प्रिंग वेब, Dev tools, etc. राइट, तो इसमें डेटा जेपीए जो है वो हमको हाइबरनेट के लिए चाहिए, ये हमने समझ लिया। तो ये प्रोजेक्ट बनाया था, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर हम आ गए कहाँ पे, हमारे और प्रोजेक्ट को हमने इंपोर्ट किया वगैरह, वो सब हो गया। अब बिफोर वी डू एनीथिंग, वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो सब कुछ चल रहा है किसके लिए चल रहा है, डेटाबेस को कनेक्ट होने के लिए चल रहा है। तो डेटाबेस को अगर कनेक्ट होना है तो हमको pom.xml फाइल में MySQL की डिपेंडेंसी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, राइट, ऐड MySQL डिपेंडेंसी इन व्हाट, pom.xml फाइल, XML, राइट, दैट इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होनी चाहिए कि डेटाबेस कनेक्शन डिटेल जो है वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, डेटाबेस कनेक्शन डिटेल एंड हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट, डायलेक्ट क्लास एंड ऑल दैट, ऐड प्रॉपर्टीज, ऐड डेटाबेस डिटेल्स, डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स, विल से डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स एंड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, like what, dialect class url and show underscore sql, nahi url wagera to uska ho gaya, dialect class important hai to usse likha, theek hai, in what, application dot properties file। to ye ho gaya hamari sabse important third step, kyunki humne dekha agar ye step follow nahi karenge aur run karenge to aapko एरर आएगा, कहेगा कि URL attribute नहीं दिखाई दे रहा, और सही है ना, URL attribute कैसे दिखेगा उसको अगर आपने ID नहीं किया तो कैसे दिखेगा। तो ये तीन स्टेप हो गए, क्लियर है सब लोगों को? ये बताओ कौन से तीन स्टेप हमने किए, बोलो फटाफट। पहले सर प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डिपेंडेंसीज हमने डाली जो डेव टूल्स, देन स्प्रिंग वेब, देन एक जेपी डेटा जेपी बोलेंगे, हाँ कोई बात, देन MySQL ऐड किया उसमें, उसकी MySQL की डिपेंडेंसी ऐड की है सर, pom.xml फाइल MySQL की डिपेंडेंसी ऐड की, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बताओ, जैसे हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग।
स्टूडेंट का क्लास बनाएंगे एंटिटी क्लास बनाना बहुत जरूरी है क्रिएट एंटिटी क्लास क्योंकि हाइबर रेट के साथ काम करना है तो एंटिटी क्लास बनाना जरूरी है उसके बाद एंटिटी क्लास क्रिएट करने के बाद क्रिएट व्हाट कंट्रोलर क्लास अभी हमने थोड़ी स्टेप जो है वो ऊपर नीचे कर दी बट दैट्स फाइन तो क्रिएट एंटिटी क्लास उसके बाद क्रिएट कंट्रोलर क्लास एंड डिफाइन मेथड टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजेक्ट व्हाट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजेक्ट व्हाट सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया और फिर लास्ट स्टेप क्या है तो जस्ट हिट द यूआरएल एंड कॉल द मेथड राइट कॉल मेथड हाँ मतलब वो तो आ ही जाता है ना लेकिन वो तो आ ही जाता है कॉल मेथड फ्रॉम ब्राउजर दैट्स इट तो यही स्टेप है ये स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सिक्वेंशियली फॉलो करो ये सब मैंने सिक्वेंस इधर उधर किया था आपको एरर क्या आते हो दिखाने के लिए तो पहले प्रोजेक्ट बनाओ विद डिपेंडेंसीज MySQL की डिपेंडेंसी जो है वो ऐड करो pom.xml में जाके और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहो बिकॉज द थिंग इज pom.xml में आपको वर्जन वगैरह स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर 5.1.6 है तो मतलब 5 वर्जन वाली जो डेटाबेस है तो फिर सर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम जैसे हाइब्रिड की डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं मतलब वो जैसे कि प्रोजेक्ट बना रहे तब ऐड हो रहे थे MySQL तो वैसे नहीं हो सकते मतलब उसको हमें pom.xml फाइल में जाके ही करना पड़ेगा क्या वो भी जैसे कि प्रोजेक्ट बनाते टाइम ऑटोमेटिक नहीं क्रिएट हो सकती क्या नहीं क्या है कि हमने वो डिपेंडेंसी कहाँ से स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डाली थी राइट यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डाली थी राइट तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे क्या यहाँ पे MySQL ड्राइवर राइट ये अगर आप ले लोगे तो वो हो जाएगा काम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका अरे एक मिनट ये MySQL ड्राइवर जो है ना ये आप ऐड कर दो और देखो कि MySQL कनेक्टर जो है वो ऐड हो जाती है क्या ठीक है वही तो वैसा करके तो हो गया फिर सिंपल है अब सर वो कनेक्शन डिटेल आपने कॉपी की थी या टाइप की है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज ना वो मैंने कॉपी किए थे आपको बताओ कि मैं कहां से आप कर सकते हो क्योंकि वो रन नहीं हो रहा था एक सेकंड हाँ ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ डोंट वरी और देखो अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब किसी ने भी ट्राई करके देखना चाहिए क्या नहीं देखना नहीं। चाहिए no, नहीं देखना चाहिए इंजुरियस टू हेल्थ क्योंकि क्या हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता तो देखिए यहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज राइट और मैं भी आपको भेजूंगा डोंट वरी अबाउट दैट तो ये सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है गो स्टेप बाय स्टेप एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आप लोग करोगे अभी असाइनमेंट में ये yes, बाकी sir. के ऑपरेशन करोगे क्या yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल हो गया मतलब हमने जो एपीआई बनाया था उस एपीआई में जितने भी मेथड्स थे कौन से गेट मैपिंग वाली थी मेथड पोस्ट मैपिंग वाली थी डिलीट मैपिंग वाली थी
पोर्टफोलियो मैपिंग वाली थी, तो वो सारे मेथड्स में आप क्या करो, हाइबरनेट का यूज करो, और फिर एरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो आप जिसमें आपने खुद ऑब्जेक्ट डाले थे, एरे लिस्ट में आपने खुद ऑब्जेक्ट डाले थे कि नहीं, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, वो डेटाबेस से ही आने दो, ठीक है? नहीं, डेटाबेस से ही आने दो, सो दैट यू कैन डू, चलेगा। चलो, और कोई क्वेश्चन इसमें? सर एक चीज, हेलो, क्या करने हैं आपने, रिपीट करेंगे सर अभी आपने जो बोला, आगे का प्रोसेस क्या करें? हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, हम लोगों ने जो ये किया था ना, हमने जो एपीआई डेवलप की थी, कौन से प्रोजेक्ट में की थी, यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे की थी शायद, यहाँ पे की थी, ये जो एपीआई हमने डेवलप की है ना, पिछली बार हमने ये किया था ना, तो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, राइट, और उसमें क्या ऐड कर रहे थे, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे ऐड कर रहा था, मैन्युअली बना के वो मैन्युअली ऐड कर रहा था। तो मेरा क्या कहना है कि इसी एग्जांपल को आप अपडेट करिए, ठीक है, इसी एग्जांपल को आप अपडेट करिए, और यहाँ पे एरे लिस्ट में आप इस तरह से ऐड करोगे क्या कंस्ट्रक्टर में, बताओ? नो सर, नो सर, नहीं करेंगे। तो जब आप ये गेट ऑल स्टूडेंट मेथड कॉल कर रहे हो ना, तो गेट ऑल स्टूडेंट मेथड कॉल करने पे आप यहाँ पे अभी जो कोड हमने डिस्कस किया ना, वो कोड डाल दो, तो उससे क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट जो है यहां से निकल के किस में आ जाएंगे, एरे लिस्ट में आ जाएंगे। तो अगर आपको ये में, मतलब वो ये नहीं हो रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी फ्रॉम स्टूडेंट लिस्ट लिखा था, तो लिस्ट से हमको लिस्ट मिल रही कि नहीं? तो ये जो लिस्ट है, ये किसको असाइन कर दो, आपके एरे लिस्ट को असाइन कर दो। मतलब मान के चलो कि अभी आपको क्या सिंपल चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमने प्रिंट किया है, इसको प्रिंट करने से अच्छा है, मतलब प्रिंट करके देखो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी इसको आपको यहाँ पे ऊपर एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, यहाँ पे क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है बना देते। तो लिस्ट java.util, awt का नहीं लेना है, java.util, और इसमें अभी किसके ऑब्जेक्ट हो गए, स्टूडेंट के, स्टूडेंट, तो एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, रेफरेंस का नाम लिखो या मतलब सॉरी इंटरफेस का नाम लिखो या डायरेक्टली एरे लिस्ट लिखो, क्या प्रॉब्लम। तो एरे लिस्ट में यहाँ पे हमको जेनेरिक को ध्यान में रखते हुए ये सिंबल रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे आप जैसी लिस्ट मिल रही ना, वैसे ये लिस्ट असाइन कर दो हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या, सब लैग हो रहा है, रेफरेंस बना के रिटर्न कर सकते हैं, सब लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, हेलो, अब ठीक है?
यस सर अब आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या किया, बनाया कि डिक्लेयर किया? डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया। और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, लिस्ट मेथड को कॉल कर रहे हो, और लिस्ट मेथड आपको क्या देगी, अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट देगी, ऑब्जेक्ट राइट। तो आपने क्या किया, उसको पॉइंट करवाया ये रेफरेंस को, मतलब ये रेफरेंस इनिशियलाइज हो जाएगा ना विद द लिस्ट रिटर्न बाय दिस लिस्ट मेथड, ऐसा है। तो अभी आप देखो कि उस अरे लिस्ट को हम प्रिंट करेंगे और आपको वो दिखेगा। तो करो क्या रिफ्रेश में यहाँ पे, यस और जाइए यहाँ पे देखिए, ये देखो दिया, दिखाई दे रहा है आपको, ये अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, ऐसे। तो इसके लिए हमको किसका नॉलेज चाहिए बताओ, कोर जावा का नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, राइट, और फिर ये लिस्ट मेथड ने जो हमको लिस्ट दी है उस लिस्ट को ये रेफरेंस पॉइंट कर रहा है। अब ये रेफरेंस का नाम लिस्ट लो, एल लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमने जानबूझ के, या फिर सिंपल लिस्ट ले लो, नहीं लेकिन हमने जो कोड लिखा है इसमें, किसमें, हमारा जो एपीआई का कोड लिखा था उसमें अरे लिस्ट ही है ना, और उससे क्लियर, मतलब क्या है कि मोर मीनिंगफुल हो जाता नाम, तो इसलिए हम यही रखेंगे, ठीक है, नो इश्यू। करोगे अभी आप लोग? यस यस सर। हाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस क्लास में अरेलिस्ट इक्वल टू न्यू अरेलिस्ट लिखा भी तो कोई इश्यू नहीं होने वाला, ये रेफरेंस नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ये वैसे ही मेमोरी में रहेगा, गार्बेज कलेक्टर उसको रिमूव करेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट माय पॉइंट इज आपको यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट जो मेथड आपने लिखी है वहां पे क्या करना है कि ये अरेलिस्ट वगैरह रिटर्न करने से पहले जरा ये तीन लाइन का कोड जो है वो कोड लिखना है, राइट, दो लाइन का कोड जो है वो लिखना है ताकि डेटाबेस में से सारे रिकॉर्ड आ जाए अरे लिस्ट में। और फिर आप यहाँ पे गेट स्टूडेंट का जब लिखोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग क्या फिर से ये करोगे क्या, यहाँ पे आप ये ऐसा कोड लिखोगे क्या? नो सर। इसके लिए आप क्या करो, वैसे देखा जाए तो मतलब ये कोड ऐसा, ये कोड क्या कर रहा है कि जो अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है आपका उसमें सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे डेटाबेस से रिकॉर्ड जो है वो सब आ ही चुके हैं वैसे देखा जाए तो, कहाँ पे, इस अरे लिस्ट में, तो उसी में ढूंढने में क्या प्रॉब्लम है, हमको मतलब स्पेसिफिक क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं ना, सोचो ना आप, समझ रहे हो क्या, डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड आ गए ना अपने अरे लिस्ट में, तो हमको स्पेसिफिक क्यूरी लिखने की क्या जरूरत है, तो ये कोड को आपको अपडेट करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसका कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे पोस्ट मैपिंग में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये समझना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग के केस में कि ये जो एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट में मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, डेटाबेस से आए, लेकिन अगर आप अरेलिस्ट डॉट एड स्टूडेंट करोगे तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एड कहाँ पे होगा, अरेलिस्ट में, उसमें कोई इश्यू नहीं है, और आपको एड करना है करिए, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ पे चाहोगे एड करना, डेटाबेस में, डेटाबेस में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेशन डॉट सेव मेथड वगैरह ये करनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। ऐसा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो असाइनमेंट है ये आप करो, सोचो, समझो, एरर करो, मिस्टेक करो, और फिर उसको, मतलब जो जो हमने सीखा है हाइबरनेट में उसको अप्लाई करो, और आप फिर वो करने में कामयाब हो जाओगे, आई एम श्योर, राइट। लेकिन ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, एक सेकंड, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, आपके, आपने अब तक कितनी प्रैक्टिस की उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। हाँ बोलिए।
सेशन डॉट सेव में वो जो अपन ने एरे लिस्ट डॉट एड लिखा वो लिखना पड़ेगा ना? नहीं, अभी क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच यूज करना चाहते हो, मतलब किस तरह से सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड है वो। मतलब जो आप एप्लीकेशन यूजर को किस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, उसके ऊपर है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसा सोचोगे कि एरे लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, हर मेथड में क्या करेंगे, फ्रेशली डेटा जो है वो यहाँ से लेके आएंगे एरे लिस्ट में, तो वैसा भी चलेगा। आप देखो मतलब कैसे आपको करना है कि नहीं, लेकिन सिंक में चाहिए कि एरे लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट हो गए वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा अपडेटेड चाहिए वहां से। नहीं तो फिर आप क्या करो कि यहाँ पे जो एरे लिस्ट मेंटेन कर रहे हो उसमें भी ये ऑब्जेक्ट ऐड करते जाओ, अपडेट करते जाओ, वैसे जैसे आप सही समझे, ठीक है। राइट देन वी विल स्टॉप। तो आज जो हमारा डिस्कशन हुआ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। हमने क्या क्या देखा आज के इसमें, कि हमने सीखा कि एट द रेट एट द वायर से क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये काम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्प्रिंग का, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। उसके बाद हमने देखा कि लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग क्या है, हमने समझा कि ये जो है बी क्लास का ऑब्जेक्ट वो सेपरेटली क्रिएट होता है, राइट, और ये मेमोरी में सेपरेटली स्टोर है, वो सिर्फ यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है। ये थ्योरेटिकली हम बोल रहे हैं कि इस तरह से होता है, बट मेमोरी वाइज अगर बात करें तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट और बी क्लास का ऑब्जेक्ट सेपरेटली है, इसलिए ये लूज कपलिंग है, इसी को एग्रीगेशन भी बोलते हैं, और स्प्रिंग यही अप्रोच यूज करता है। और हमने सेशन फैक्ट्री के केस में देखा कि इवन सेशन फैक्ट्री के केस में स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ने क्या कर लिया, उसका रिलेटेड क्लास देखा भी, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया और उसका ऑब्जेक्ट इंजेक्ट भी कर लिया, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सब हमने देखा था कि ऑटो वायर एनोटेशन के बारे में बोलना है तो आप लोग बोल दो कि ऑटो वायर एनोटेशन इज यूज फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग विल लोकेट और क्रिएट द डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्ट इट इन अ कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऐसा ही चाहिए, और फिर उसके लिए मैंने ये भी एग्जांपल टाइट कपलिंग का जो एग्जांपल है वो दिया था, लेकिन ये ऑटो वायरिंग नहीं है बेसिकली, ये अलग ही बात है। फिर ये हमने देखा कि कितना आसान है स्प्रिंग और हाइबरनेट का इंटीग्रेशन करना, बस थोड़ी सी सोच के हमको करना है, और ये सब स्टेप्स हमने रिवाइज कर लिए। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में मतलब डिफरेंस क्या है सर? स्प्रिंग उसके बाद स्प्रिंग बूट ओरिजिन है, थोड़ा डिफरेंस क्या है वो क्या करेंगे? वो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें वो सब डिफरेंसेस वगैरह मैं आपको लिख के दूंगा। डोंट वरी। राइट देन वी विल स्टॉप। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या डिफरेंस होगा, मतलब थोड़ा वो कुछ चेंजेस होगा तो? नहीं, अभी क्या है कि आप लोग इसमें एक समझ लो कि जो स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग बेसिकली क्या है, फ्रेमवर्क है, और स्प्रिंग बूट क्या है उसके ऊपर बनाया गया फ्रेमवर्क है। वो आपको क्या करके देता है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना के देता है कि नहीं देता है बोलो? यस सर। स्प्रिंग नहीं चला है, इधर से जाके आपने स्पेशल प्रोजेक्ट बना के लिया कि नहीं? यस सर। और स्प्रिंग का जो मेन फीचर था वो क्या था? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, स्प्रिंग का स्प्रिंग बेसिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग वगैरह जो आप बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेन फीचर है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बिफोर स्प्रिंग बूट ये जो हमने कनेक्शन डिटेल वगैरह लिखे ना यहाँ पे, ये सब कहाँ पे लिखते थे, XML फाइल में। तो अभी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट यूज करते हो तो XML कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जरूरी है क्या? नहीं है। लेकिन पहले जो स्प्रिंग कोर मतलब स्प्रिंग बूट के सिवाय अगर आप जब स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाते थे और ये वेब एप्लीकेशन वगैरह क्रिएट करते थे, राइट, या REST API एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, तो उसमें आपको सब कुछ कहाँ पे लिखना पड़ता था? XML में।
राइट। तो वो बातें जो है वो जरूरी नहीं है। पहले स्प्रिंग में आप क्या करते थे, आप लोग करते थे, मतलब अभी आपने तो किया ही नहीं राइट, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। स्पेशली आपने कॉन्फ़िगर किया क्या टॉमकैट सर्वर, बताओ आप? नो सर। टॉमकैट सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया क्या? नहीं ना। लेकिन पहले वो करना पड़ता था ऐसा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, वो एग्जाम्पल जो है ना करना पड़ता था। हाँ नहीं नहीं, मैं अभी करना पड़ता था वो तो है, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल क्या। देन यू विल बी थैंकफुल टू स्प्रिंग बूट कि आपकी लाइफ जो है वो स्प्रिंग बूट ने क्या कर दी, इजी कर दी, इजी कर दी। तो इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि पहले तकलीफ कैसे होती थी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, डोंट वरी। यस यस। हमने फिर सर स्प्रिंग बूट ही किया ना, मतलब स्प्रिंग नहीं किया ना अभी जो पढ़ा अपन ने पूरा। देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ना उसी के ये सब अनोटेशन है कुणाल। हाँ। ये सब अनोटेशन वगैरह किसके है, स्प्रिंग के ही है। हाँ। राइट, एट द रेट ऑटो वायर हो बीन हो ये सब अनोटेशन स्प्रिंग के है। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो है उससे आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, मैंने बोला कि ऑटो, ये जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो जाता है, टॉमकैट सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती राइट। pom.xml में आप लोग देखो क्या है, pom.xml में ये spring boot started data jp आपने डाला ना। yes. ये पहले क्या करना पड़ता था, पहले hibernate के jar फाइल लिखो, फिर उसके रिलेटेड और भी यहाँ पे जैसे spring boot started web लिखा है तो फिर उसमें web खाली web के ही, मतलब spring web के लिए काफी dependency लिखनी पड़ती थी, समझ रहे हो क्या आप? स्प्रिंग वेब के लिए काफी डिपेंडेंसी आपको लिखनी पड़ती थी। तो वो सब मैं दिखाऊंगा तभी आपको यकीन आएगा कि वो डिपेंडेंसी आपको मैन्युअली, मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी लिखनी पड़ती थी। यहाँ पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या हो गया, इजी हो गया। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, स्प्रिंग बूट आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, उसमें फिर आप क्या कर रहे हो, ये सब डेवलपमेंट कर रहे हो। लेकिन बिफोर इसके क्या होता था कुणाल, आपको सब मैन्युअली, मतलब आपको मैन्युअली करना पड़ता था, वगैरह काफी करना पड़ता था, मैन्युअल चीजें बहुत थी। अभी ये कंपैरेटिवली जब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी टिल दैट। थैंक यू सर। तो अभी असाइनमेंट करो। हाँ यस सर, यस सर, असाइनमेंट करो और मिलते हैं फिर मंडे को। चलो बाय। Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome.